नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कई कहानियों का एक गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी का धन। बेतवा नदी दो ऊंचे कगारों के बीच इस तरह मुंह छिपाए हुए थी जैसे निर्मल हृदयों में सरस और उत्साह की मध्यम ज्योति छिपी रहती है। इसके एक कगार पर एक छोटा सा गांव बसा है जो अपने भग्न जातीय चिन्हों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जातीय गाथाओं और चिन्हों पर मर मिटने वाले लोग इस भग्न स्थान पर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ आते और गांव का बूढ़ा केवल सुखू चौधरी उन्हें उसकी परिक्रमा कराता और रानी के महल, राजा का दरबार और कुंवर के बैठक के मिटे हुए चिन्हों को दिखाता। वह एक उच्छावास लेकर रुंधे हुए गले से कहता, महाशय, एक वह समय था कि केवटों को मछलियों के इनाम में अशर्फियां मिलती थीं। कहार महल में झाड़ू देते हुए अशर्फियां बटोर ले सकते थे। बेतवा नदी रोज बढ़कर महाराज के चरण छूने आती थी। यह प्रताप और यह तेज था, परंतु आज इसकी यह दशा है। इन सुंदर युक्तियों पर किसी का विश्वास जमाना चौधरी के वश की बात न थी, पर सुनने वाले उसकी सहृदयता और अनुराग के जरूर कायल हो जाते थे। सुखू चौधरी उधार पुरुष थे, परंतु जितना बड़ा मुंह था उतना बड़ा ग्रास न था। तीन लड़के, तीन बहुएं और कई पौत्र पौत्रियां थीं। लड़की केवल एक गंगा जली थी जिसका अभी तक गौना नहीं हुआ था। चौधरी की यह सबसे पिछली संतान थी। स्त्री के मर जाने पर उसने इसको बकरी का दूध पिला पिला कर पाला था। परिवार में खाने वाले तो इतने थे, पर खेती सिर्फ एक हल की ही होती थी, त्यों त्यों कर निर्वाह होता था। परंतु सुखू की वृद्धावस्था और पुरातत्व ज्ञान ने उसे गांव में वह मान प्रतिष्ठा प्रदान कर रखी थी जिसे देखकर झगड़ू साहू भीतर ही भीतर जलते रहते थे। सुखू जब गांव वालों के समक्ष हाकिमों से हाथ फेंक फेंक कर बातें करने लगता और खंडरों को घुमा फिरा कर दिखाता था तो झगड़ू साहू, जो चपरासियों के धक्के खाने के डर से करीब नहीं फटकते थे, तड़प तड़प कर रह जाते थे। अतः वे सदा उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे जब सुखू पर अपने धन द्वारा प्रभुत्व जमा सके। गांव के जमींदार ठाकुर जीतन सिंह थे जिनकी बेगार के मारे गांव वालों के नाकों में दम था। उस साल जब जिला मजिस्ट्रेट का दौरा हुआ और वह यहाँ के पुरातन चिन्हों की सैर करने के लिए पधारे तो सुखू चौधरी ने दबी जवान से अपने गांव वालों के दुख की कहानी उन्हें सुनाई। हाकिमों से वार्तालाप करने में उसे तनिक भी भय न होता था। सुखू चौधरी को खूब मालूम था कि जीतन सिंह से रार मचाना सिंह के मुंह में सिर देना है, किंतु जब गांव वाले कहते थे कि चौधरी तुम्हारी यह मित्रता किस दिन काम आएगी, परोपकाराय सताम विभूतयः, तब सुखू का मिजाज आसमान पर चढ़ जाता था। घड़ी भर के लिए वह जीतन सिंह को भूल जाता था। मजिस्ट्रेट ने जीतन सिंह से इसका उत्तर मांगा। उधर झगड़ू साहू ने चौधरी के इस साहसपूर्ण स्वामी द्रोह की रिपोर्ट जीतन सिंह को दी। ठाकुर साहब जलकर आग हो गए, अपने कारिंदे से बकाया लगान की बही मांगी। संयोगवश चौधरी के जिम्मे इस साल का कुछ लगान बाकी था। कुछ तो पैदावार कम हुई, उस पर गंगाजली का ब्याह करना था। छोटी बहू नथ किरट लगाए हुए थी, वह बनवानी पड़ी। इन सब खर्चों ने हाथ बिल्कुल खाली कर दिया था। लगान के लिए कुछ अधिक चिंता नहीं थी, वही सब अभिमान में भूला हुआ था कि जिस जवान में हाकिमों को प्रसन्न करने की शक्ति है, क्या वह ठाकुर को अपना लक्ष्य न बना सकेगी। बूढ़े चौधरी इधर तो अपने गर्व में निश्चित थे और उधर उन पर बकाया लगान की नालिश ठुक गई। समन आ पहुंचा, दूसरे दिन पेशी की तारीख पड़ गई। चौधरी को अपना जादू चलाने का अवसर न मिला। जिन लोगों के बढ़ावे में आकर सुखू ने ठाकुर से छेड़छाड़ की थी, उनका दर्शन मिलना दुर्लभ हो गया था। ठाकुर साहब के सहने और प्यादे गांव में चील की तरह मंडराने लगे। उनके भय से किसी को चौधरी की परछाई काटने का साहस न होता था। कचहरी यहां से 3 मील पर थी। बरसात के दिन रास्ते में ठोर ठोर पानी और उमड़ी हुई नदियां, रास्ता कच्चा, बैलगाड़ी का निबाह नहीं, पैरों में बल नहीं, अतः अदम पैरवी में मुकदमा एक तरफा फैसला हो गया। कुर्की का नोटिस पहुंचा तो चौधरी के हाथ पांव फूल गए, सारी चतुराई भूल गई। चुपचाप अपनी खाट पर पड़ा पड़ा नदी की ओर ताकता और मन में कहता, क्या मेरे जीते जी ही घर मिट्टी में मिल जाएगा? मेरे इन बैलों की सुंदर जोड़ी के गले में आह, क्या दूसरों का जुआ पड़ेगा? यह सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती। वह बैलों से लिपट कर रोने लगता
परंतु बैलों की आंखों में क्यों आंसू जारी थे? वे नांद में मुंह क्यों नहीं डालते? क्या उनके हृदय पर भी अपने स्वामी के दुख की चोट पहुंच रही थी? फिर वो अपने झोंपड़े को विकल नैनों से निहार कर देखता और मन में सोचता, क्या हमको इस घर से निकलना पड़ेगा? यह पूर्वजों की निशानी क्या हमारे जीते जी छिन जाएगी? कुछ लोग परीक्षा में दृढ़ रहते हैं और कुछ लोग इसकी हल्की सी आंच भी नहीं सह सकते। चौधरी अपनी खाट पर उदास पड़े पड़े घंटों अपने कुलदेव महावीर और महादेव को मनाया करता और उनका गुणगान गाया करता। उसकी चिंता दग्ध आत्मा का और कोई सहारा न था। इसमें कोई संदेह न था कि चौधरी की तीन बहुओं के पास गहने थे, पर स्त्री का गहना उक का रस है जो पिरने से ही निकलता है। चौधरी जाति का ओछा पर स्वभाव का ऊंचा था। उसे ऐसी नीच बात बहुओं से कहते संकोच होता था। कदाचित यह नीच विचार उसके हृदय में उत्पन्न ही नहीं हुआ था, किंतु तीनों बेटे यदि जरा भी बुद्धि से काम लेते तब बूढ़े को देवताओं की शरण लेने की आवश्यकता न होती। परंतु यहाँ तो बात ही निराली थी। बड़े लड़के को घाट के काम से फुर्सत न थी, बाकी दो लड़के इस जटिल प्रश्न को विचित्र रूप से हल करने के मंसूबे बांध रहे थे। मंझले झिंगुर ने मुंह बनाकर कहा, इस गांव में क्या धरा है, जहां भी कमाऊंगा वहीं खाऊंगा, पर जीतन सिंह की मूछें एक एक करके चुन लूंगा। छोटे फक्कड़ ऐंठ कर बोले, मूछें तुम चुन लेना, नाक में उड़ा दूंगा, नक कट्टा बना घूमेगा। इस पर दोनों खूब हंसे और मछली मारने चल दिए। इस गांव में एक बूढ़े ब्राह्मण भी रहते थे, मंदिर में पूजा करते और नित अपने यजमानों का दर्शन देने नदी पार जाते, पर खेवे के पैसे न देते। तीसरे दिन वह जमींदार के गुप्तचरों की आंख बचाकर सुखू के पास आए और सहानुभूति के स्वर में बोले, चौधरी कल ही तक मियाद है और तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो, क्यों नहीं घर की चीज वस्तु ढूंढ ढांड कर किसी और जगह भेज देते? न हो समधियाने पठवा दो, जो कुछ बचा रहे वही सही, घर की मिट्टी खोदकर थोड़ी ही कोई ले जाएगा। चौधरी लेटा था, उठ बैठा और आकाश की ओर निहार कर बोला, जो कुछ उसकी इच्छा है होगा, मुझसे यह जाल न होगा। इधर कई दिन की निरंतर भक्ति उपासना के कारण चौधरी का मन शुद्ध और पवित्र हो गया था। उसे छल प्रपंच से घृणा उत्पन्न हो गई थी। पंडित जी इस काम में सिद्ध हस्त थे, लज्जित हो गए, परंतु चौधरी के घर के अन्य लोगों को इस सुरक्षा पर इतना भरोसा न था। धीरे धीरे घर के बर्तन भाड़े खिसकाए जाते थे, अनाज का एक दाना भी घर में न रहने पाया। रात को नाव लदी हुई जाती और उधर से खाली लौटती थी। तीन दिन तक घर में चूल्हा न जला। बूढ़े चौधरी के मुंह में अन्न की कौन कहे, पानी की एक बूंद भी न पड़ी। स्त्रियां भाड़ से चने भुनाकर चबाती और लड़के मछलियां भून भून कर उड़ाते, परंतु बूढ़े की एकादशी में यदि कोई शरीक था तो वह उसकी बेटी गंगा जली थी। वह बेचारी अपने बूढ़े बाप को चरपाई पर निर्जल छटपटाते देख बिलख बिरख कर रोती। लड़कों को अपने माता पिता से वह प्रेम नहीं होता जो लड़कियों को होता है। गंगा जली सोच विचार में मग्न रहती कि दादा की किस भांति सहायता करूं। यदि हम सब भाई बहन मिलकर जीतन सिंह के पास जाकर दया भिक्षा की प्रार्थना करें तो वह अवश्य मान जाएंगे, परंतु दादा को कब यह स्वीकार होगा? यदि वह एक बड़े साहब के पास चले जाए तो सब कुछ बात की बात में बन जाए, किंतु उनकी तो जैसी बुद्धि मारी गई है। इसी उधेड़ बुन में उसे एक उपाय सूझ पड़ा। कुमलाया हुआ मुखारविंद खिल उठा। पुजारी जी सुखू चौधरी के पास से उठकर चले गए थे और चौधरी उच्च स्वर से अपने सोए देवताओं को पुकार पुकार कर बुला रहे थे। निदान गंगा जली उनके पास जाकर खड़ी हो गई। चौधरी ने उसे देखकर विस्मित स्वर में पूछा, क्यों बेटी, इतनी रात हो गए, बाहर क्यों आई? गंगा जली ने कहा, बाहर रहना तो भाग्य में लिखा है, घर में कैसे रहूं? सुखी ने जोर की हाँक लगाई, कहाँ गए तुम कृष्ण मुरारी, मेरे दुख हरो। गंगा जली खड़ी थी, बैठ गई और धीरे से बोली, भजन गाते तो आज तीन दिन हो गए, घर बचाने का कुछ उपाय सोचा कि इसे यूं ही मिट्टी में मिला दोगे, हम लोगों को क्या पेड़ तले रखोगे? चौधरी ने व्यथित स्वर से कहा, बेटी मुझे तो कोई उपाय नहीं सूझता, भगवान जो चाहेंगे होगा। वेक चलो गिरधर गोपाल, काहे विलंब करो। गंगा जली ने कहा, मैंने एक उपाय सोचा है, कहो तो कहूं। चौधरी उठकर बैठ गए और पूछा, कौन उपाय है बेटी? गंगा जली ने कहा, मेरे गहने झगड़ू साहू के यहां गिरों रख दो, मैंने जोड़ लिया है, दिन भर के रुपए हो जाएंगे। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटी तुमको मुझसे कहते लाज नहीं आती? वेदर शास्त्र में मुझे तुम्हारे गांव के कुएं का पानी पीना भी मना है, तुम्हारे ढेवड़ी पर पैर रखने का निषेध है, क्या तुम मुझे नरक में ढकेलना चाहती हो? गंगा जली उत्तर के लिए पहले से ही तैयार थी, बोली, मैं अपने गहने तुम्हें दिए थोड़े ही देती हूँ, इस समय लेकर काम चलाओ, चैत में छुड़ा देना।
चौधरी ने कड़क कर कहा, यह मुझसे न होगा। गंगाजली उत्तेजित होकर बोली, तुमसे यह न होगा तो मैं आप ही जाऊंगी, मुझसे घर की दुर्दशा नहीं देखी जाती। चौधरी ने झुंझला कर कहा, बिरादरी को कौन मुंह दिखाएगा। गंगाजली ने चिढ़कर कहा, बिरादरी में कौन ढिंढोरा पीटने जाता है। चौधरी ने फैसला सुनाया, जग हंसाई के लिए मैं अपना धर्म न बिगाड़ूंगा। गंगाजली बिगड़ कर बोली, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर मेरी हत्या पड़ेगी, मैं आज ही बेतवा नदी में कूद पड़ूंगी, तुमसे चाहे घर में आग लगाते देखा जाए पर मुझसे न देखा जाएगा। चौधरी ने ठंडी सांस लेकर कातर स्वर में कहा, बेटी मेरा धर्म नाश मत करो, यदि ऐसा ही है तो अपनी किसी भावज के गहने मांग कर लाओ। गंगाजली ने गंभीर भाव से कहा, भावजन से कौन सा अपना मुंह नुचवाने जाएगा, उनको फिकर होती तो क्या मुंह में दही जमा था कहती नहीं। चौधरी निरुत्तर हो गए। गंगाजली घर में जाकर गहनों की पिटारी लाई और एक एक करके सब गहने चौधरी के अंगूठे में बांध दिए। चौधरी ने आंख में आंसू भरकर कहा, हाय राम, इस शरीर की क्या गति लिखी है। यह कहकर उठे, बहुत संभालने पर भी आंखों में आंसू न छिपे। रात का समय था, बेतवा नदी के किनारे किनारे मार्ग को छोड़कर सुखू चौधरी गहनों की गठरी कांख में दबाए इस तरह चुपके चुपके चल रहे थे मानो पाप की गठरी लिए जाते हैं। जब वह झगड़ो साहू के मकान के पास पहुंचे तो ठहर गए, आंखें खूब साफ की जिसमें किसी को यह बोध न हो कि चौधरी रोता था। झगड़ू साहू धागे की कमानी की एक मोटी एनक लगाए बही खाता फैलाए हुक्का पी रहे थे और दीपक के धुंधले प्रकाश में उन अक्षरों को पढ़ने का व्यस्त चेष्टा में लगे थे जिनमें सहाई की बहुत किफायत की गई थी। बार बार एनक को साफ करते और आंख मलते, पर चिराग की बत्ती उकसाना या दोहरी बत्ती लगाना शायद इसलिए उचित नहीं समझते थे कि तेल का अपव्यय होगा। इसी समय सुखू चौधरी ने आकर कहा, जय राम जी। झगड़ू साहू ने देखा, पहचान कर बोले, जय राम चौधरी, कहो मुकदमे में क्या हुआ। यह लेन देन बड़े झंझट का काम है, दिन भर सिर उठाए छुट्टी नहीं मिलती। चौधरी ने पोटली को खूब सावधानी से छिपाकर लापरवाही के साथ कहा, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, कल इजराय डिग्री होने वाली है, ठाकुर साहब ने न जाने कब का बैर निकाला है, हमको दो तीन दिन की भी मुहलत होती तो डिग्री न जारी होने पाती। छोटे साहब और बड़े साहब दोनों हमको अच्छी तरह जानते हैं। अभी इसी साल मैंने उस नदी किनारे घंटों बातें की, किंतु एक तो बरसात का दिन, दूसरे एक दिन की भी मुहलत नहीं, क्या करता। इस समय मुझे रुपयों की चिंता है। झगड़ू साहू ने विस्मित होकर पूछा, तुमको रुपयों की चिंता, घर में भरा है, वह किस दिन काम आवेगा। झगड़ू साहू ने यह व्यंग बाण नहीं छोड़ा था, वास्तव में उन्हें और सारे गांव को विश्वास था कि चौधरी के घर में लक्ष्मी महारानी का अखंड राज्य है। चौधरी का रंग बदलने लगा, बोले, साहू जी रुपया होता तो किस बात की चिंता थी, तुमसे कौन छिपावे। आज तीन दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, रोना पिटना पड़ा है, अब तो तुम्हारे बसाए बसूंगा, ठाकुर साहब ने तो उजाड़ने में कोई कसर न छोड़ी। झगड़ू साहू जीतन सिंह को खुश रखना चाहते थे, पर साथ ही चौधरी को भी नाखुश करना मंजूर न था। यदि सूद दर सूद जोड़कर मूल तथा ब्याज सहज में वसूल हो जाए तो उन्हें चौधरी पर मुफ्त का एहसान लाने में कोई आपत्ति न थी। यदि चौधरी के अफसरों की जान पहचान के कारण साहू जी का टैक्स से गला छूट जाए, जो अनेकों उपाय करने, अलहकानों की मुट्ठी गर्म करने पर भी नित्य प्रति उनकी तोंद की तरह बढ़ता ही जा रहा था, तो क्या पूछना। बोले, क्या कहें चौधरी जी, खर्च के मारे आजकल हम भी तबाह हैं, लेने वसूल नहीं होते, टैक्स का रुपया देना पड़ा, हाथ बिल्कुल खाली हो गया, तुम्हें कितना रुपया चाहिए। चौधरी ने कहा, 100 रुपए की डिग्री है, खर्च वर्च मिलाकर 200 के लगभग समझो। तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कुछ भी मदद न की, वह सब भी तो कुछ न कुछ कमाते हैं। साहू का निशाना ठीक पड़ा, लड़कों की लापरवाही से चौधरी के मन में जो कुत्सित भाव भरे थे वो सजीव हो गए। बोला, भाई लड़के किसी काम के होते तो यह दिन देखना क्यों पड़ता, उन्हें तो बस अपने भोग विलास से मतलब है, घर गृहस्थी का बोझ मेरे सिर पर है, मैं इसे जैसे चाहूं संभालूं, उनसे कुछ सरोकार नहीं, मरते दम भी गला नहीं छूटता, मरूंगा तो सब खाल में भूसा भरा कर रख छोड़ेंगे, गृह कारज नाना जंजाला। झगड़ू ने दूसरा तीर मारा, क्या बहुओं से भी कुछ न बन पड़ा। चौधरी ने उत्तर दिया, बहुओं के पास रुपए नहीं, पर गहने तो वे भी मेरे बनवाए हुए, दुर्दिन के समय यदि दो दो थान उतार देते तो क्या मैं छुड़ाने देता, सदा यही दिन थोड़े ही रहेंगे। झगड़ू समझिए कि यह महज जवान का सौदा है, और वह जवान का सौदा भूल कर भी न करते थे। बोले, तुम्हारे घर के लोग भी अनूठे हैं, क्या इतना भी नहीं जानते कि बूढ़ा रुपए कहां से लाएगा, अब समय बदल गया है, या तो कुछ जायदाद लिखो या गहने को गिरवी रखो,
तब जाकर कहीं रुपया मिले, इसके बिना रुपए कहां। तो जब घर वालों को इसकी कोई फिक्र नहीं तो तुम क्यों व्यर्थ जान देते हो? यही न होगा कि लोग हंसेंगे, यह लाज कहां तक निभाओगे? चौधरी ने अत्यंत विनित होकर कहा, शाहजी यह लाज तो मारे डालती है, तुमसे क्या छिपा है। एक दिन था कि हमारे दादा बाबा महाराज की सवारी के साथ चलते थे, और अब एक दिन यह है कि घर की दीवार तक बिकने की नौबत आ गई है, कहीं मुंह दिखाने को भी जी नहीं चाहता। यह लो गहनों की पोटली, यदि लोक लाज न होती तो उसे लेकर यहाँ कभी ना आता, परंतु यह अधर्म इसी लाज के निभाने के कारण पड़ा है। झगड़ू साहू ने आश्चर्य से पूछा, यह गहने किसके हैं? चौधरी ने सिर झुकाकर बड़ी कठिनता से कहा, मेरी बेटी गंगा जली के। झगड़ू साहू विस्मित हो गए, बोले, अरे राम राम राम। चौधरी ने कातर स्वर में कहा, डूब मरने को जी चाहता है। झगड़ू ने बड़ी धार्मिकता के साथ मन स्थिर होकर कहा, शास्त्र में बेटी के गांव का पेड़ देखना मना है। चौधरी ने दीर्घ निश्वास छोड़कर करुण स्वर में कहा, न जाने नारायण कब मौत देंगे। भाई जी तीन लड़कियां ब्याही, कभी भूल कर भी उनके द्वार का मुंह नहीं देखा। परमात्मा ने अब तक तो टेक निभाई है, पर अब न जाने मिट्टी की क्या दुर्दशा होने वाली है। झगड़ू साहू लेखा जो जो बख्शी सौ सौ के सिद्धांत पर चलते थे। सूद की एक कौड़ी भी छोड़ना उनके लिए हराम था। यदि महीने का एक दिन भी लग जाता तो पूरे महीने का सूद वसूल कर लेते, परंतु नवरात्र में नित्य दुर्गा पाठ करवाते थे, पितृपक्ष में रोज ब्राह्मणों को सीधा बांटते थे। बनियों की धर्म में बड़ी निष्ठा थी। झगड़ू साहू के द्वार पर साल में एक बार भागवत पाठ अवश्य होता। यदि कोई दीन ब्राह्मण लड़की ब्याहने के लिए उनके सामने हाथ पसारता तो वह खाली हाथ न लौटाता। भीख मांगने वाले ब्राह्मणों को चाहे वह कितने ही संडे मुसंडे हो, उनके दरवाजे पर फटकार नहीं सुननी पड़ती थी। उनके धर्मशास्त्र में कन्या के गांव के कुएं का पानी पीने से प्यासा मर जाना अच्छा था। वह स्वयं इस सिद्धांत के भक्त थे, और इस सिद्धांत के अन्य पक्षपाती उनके लिए महामान्य देवता था। वे पिघल गए, मन में सोचा, यह मनुष्य तो कभी ओछे विचारों को मन में नहीं लाया, निर्दय काल की ठोकर से अधर्म मार्ग पर उतर आया है, तो उसके धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, धर्म है। यह विचार मन में आते ही झगड़ू साहू गद्दी से मनसत के सहारे उठ बैठे और दृढ़ स्वर से कहा, वही परमात्मा जिसने अब तक तुम्हारी टेक निभाई है अब भी निभाएगा। लड़की के गहने लड़की को दे दो, लड़की जैसी तुम्हारी है वैसे ही मेरी भी है, यह लो रुपए, आज काम चलाओ, जब हाथ आ जाए दे देना। चौधरी पर इस सहानुभूति का गहरा असर पड़ा, वह जोर जोर से रोने लगा। उसे अपने भावों की धुन में कृष्ण भगवान की मोहिनी मूर्ति सामने विराजमान दिखाई थी। वही झगड़ू जो सारे गांव में बदनाम था, जिसकी खुद कई बार हाकिमों से शिकायत की थी, आज साक्षात देवता जान पड़ता था। रूंधे हुए कंठ से गदगद हो बोला, झगड़ू तुमने इस समय मेरी बात, मेरी लाज, मेरा धर्म कहां तक कहूं, मेरा सब कुछ रख लिया, मेरी डूबती नाव पार लगा दी। कृष्ण मुरारी तुम्हारे इस उपकार का फल देंगे, और मैं तो तुम्हारा गुण जब तक जीऊंगा गाता रहूंगा। धन्यवाद।